कहानी अब तक की। मैं ये देखकर खुश था कि गेनाई ने 5 साल की उम्र में तीसरी बार बच्चे जने थे। कुल मिलाकर करीब 12 बच्चे हैं, जिससे उसके झुंड की ताकत काफी बढ़ गई है। हालांकि उनमें से कुछ बच्चे उसकी बेटी चूकी के भी हैं, लेकिन जाहिर था कि अब झुंड में खाने वालों की संख्या बढ़ गई है और खतरा भी बढ़ गया है। मेरी नजरों में तो ये जंगली कुत्तों का सबसे अनोखा झुंड है। ये अपने से बड़े और ज्यादा खतरनाक शिकारियों से भी भिड़ने से नहीं डरते हैं। लेकिन कल रात अचानक ही एक तबाही आ गई। जंगल की आग इनकी मांद के काफी करीब पहुंच चुकी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पिल्ले बचे भी होंगे या नहीं। जंगल के शिकारी जानवरों में जो सबसे कम दिखाई देता है वो है जंगली कुत्ता। भारत में हम इसे ढोले कहते हैं। इन कुत्तों का स्वभाव पूरा जंगली है। बाघ और तेंदुए की तरह इनका भी करोड़ों वर्षों में विकास हुआ है। ये दास्तान है केनाई की, एक जंगली मादा कुत्ता जिसने हिम्मत दिखाई एक अलग राह चुनने की। मैं जब सुबह सुबह यहाँ पहुंचा तो देखा कि कल रात की आग अभी तक सुलग रही है। ये पतझड़ी जंगल साल के इस वक्त बिल्कुल सूख जाते हैं और आग लगने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। कई बार उनसे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। केनाई और उसका झुंड कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। मेरी चिंता बढ़ने लगी थी। अगर पिल्ले अपनी उसी पथरीली मांद में होंगे तो घने धुएं से बेचारों का दम घुट गया होगा। केनाई और उसके झुंड ने इतनी मेहनत से जो कामयाबी पाई है वो पलक झपकते स्वाहा हो जाएगी। सर्दियों का मौसम करीब करीब खत्म हो चुका है और गर्मियां आने लगी हैं। मुझे 15 दिनों से वो झुंड नहीं दिखा है। जब पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं तो यहां जीवन भी सुस्त सा पड़ जाता है। मैं कई दिनों से उस झुंड को ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आया है। इतनी गर्मी में हर चीज, जंगल के जीव भी बड़े सुस्त और आलसी हो जाते हैं। मुझे डर था कि कहीं केनाई और उसका झुंड किसी बड़े हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। लेकिन जब मेरी सारी उम्मीदें टूटने लगी थीं, तभी मैंने एक आवाज सुनी। लंगूर। इस जंगल के पहरेदारों ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी। मैं उनकी आवाज की तेजी और उसकी लय से अंदाजा लगा लेता हूं कि उन्होंने किस जानवर को देखा होगा। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जंगली कुत्तों के किसी झुंड को देखा है। तो क्या केनाई का झुंड ही वापस आ रहा है? नहीं, ये तो भालू है। अरे वाह, लाजवाब। इस कुत्ते की 9 जिंदगियां हैं। इन पिल्लों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। पूरे जंगल में नई जान सी आ गई है। एक बड़ा सा खूबसूरत परिवार। मैं केनाई को देखकर बहुत खुश हूं। लेकिन ये क्या हुआ, सिर्फ 9 पिल्ले ही दिख रहे हैं?
ये भी कम नहीं है कि इतने पिल्ले बच गए हैं। इस झुंड की जिंदगी फिर से ढर्रे पर आ गई है। अब तक तो जंगल भी सुनहरे भूरे रंग का नजर आने लगा था, लेकिन शायद ये भी मेरे पसंदीदा झुंड के वापस आने पर खुशी का इजहार कर रहा है और कई जगहों पर हरियाली आ गई है। केनाई के इलाके में ही रहने वाली एक खतरनाक शिकारी इस बाघिन ने भी बच्चे जने हैं। कुल 4 बच्चे हैं। इसका मतलब है खतरा। जब बाघिन के बच्चे छोटे और असुरक्षित होते हैं, तब दूसरे शिकारियों से उन्हें बचाने के लिए वो बहुत खूंखार हो जाती है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि केनाई अपने इलाके से चली जाए। यहाँ पर उसे अच्छा खासा शिकार मिल जाता है और केनाई को किसी तरह से अपने 9 भूखे बच्चों का पेट तो भरना ही है। इसके लिए वो बड़े से बड़ा खतरा उठाने को तैयार है। मुझे तो डर है कि कहीं यहाँ एक खूनी जंग न शुरू हो जाए। बाघिन को भी खतरा उठाना पड़ता है। वो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर ही शिकार करने जाती है। साल के इस वक्त पर गर्मी की वजह से घने बादल भी आ जाते हैं, जिससे मानसून के पहले भी बारिश हो जाती है। इस बारिश से सबकी जिंदगी में बदलाव आ गया है, लेकिन इस लंगूर माँ जैसे कुछ जीवों के लिए बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी हैं, क्योंकि उसे अपने बच्चे को गर्म रखने में दिक्कत हो रही है। लेकिन कुछ जीव तो बारिश का पूरा मजा ले रहे हैं। मुड़े कानों वाली चोटी केनाई की ही बेटी है। ये पिछले साल पैदा हुई थी। अब ये एक बिल्कुल नई भूमिका निभा रही है। वो पिल्लों की प्यारी मौसी बन गई है। पिल्ले उससे ही नए नए गुर सीख रहे हैं। लेकिन बेचारी चोटी के दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। लग रहा है कि वो बिगड़ा के साथ एक खास रिश्ता बना रही है। इन दिनों केनाई ने अपनी बेटी और झुंड की दूसरी माँ चूकी को भी दबा दिया है। अभी तो चूकी भी बिल्कुल शांत है। इन सब के बावजूद केनाई का पूरा ध्यान बच्चों के लिए खाना जुटाने पर लगा है। लग रहा है कि इस बाघिन को भी अच्छा खासा शिकार मिल रहा है, क्योंकि इसके 4 बच्चे जिंदा बचे हुए हैं और वो स्वस्थ भी लग रहे हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि बाघिनों के सारे बच्चे इस उम्र तक बहुत कम ही जिंदा बच पाते हैं। कुत्तों के झुंड में भी पिल्ले काफी स्वस्थ हैं और उनमें दिन ब दिन आने वाला बदलाव भी साफ दिख रहा है। केनाई भी अब निश्चिंत और संतुष्ट लग रही है। लेकिन सच हमेशा वो नहीं होता जो हमें नजर आता है। दिग्डा और उसके दबंग भाई माचा के बीच मतभेद काफी बढ़ गए हैं। जब वो पहली बार केनाई के झुंड में आए थे, तो मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई थी कि वो शिकार के वक्त बेहतरीन तालमेल बना रहे थे। लेकिन अब तो माचा अपने भाई को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता। अगर हालात नहीं सुधरे तो केनाई के लिए अपने बड़े होते झुंड का पेट भर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो झुंड के बड़े पिल्लों को भी उन जगहों पर ले जाने लगे हैं जहां शिकार काफी होते हैं। लेकिन यहाँ अपने बच्चों की परवरिश कर रही बाघिन के साथ साथ तेंदुए भी हैं, इसलिए
इस झुंड के लिए खतरा भी काफी बढ़ गया है। पिछली बार जब ये अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तब केनाई का पुराना साथी नबोज एक बाघ का शिकार बन गया था। गिद्धों को कुछ नजर आ गया है। लग रहा है कि बाघिन ने अभी अभी खाना खाया है। जब तक मुझे उन मुर्दाखोरों के आने की वजह पता लगी, तब तक शाम काफी ढल चुकी थी। एक मादा गौर की लाश पड़ी हुई थी जिसे बाघिन ने पूरा खाया नहीं था। लग रहा था कि उसने इसे कुछ दिन पहले मारा था। अभी इसमें इतना गोश्त है कि वो कल भी खा सके, लेकिन गिद्ध भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाघिन के लिए अच्छा यही है कि वो अपने शिकार को झाड़ी के पीछे छिपा दे।